गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भवतापप्रणाशिने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानमुक्तिप्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जीवन में जितना आनंद आता है ना हमारे, ये उनकी कृपा है। नहीं तो हमारे कर्म ऐसे है, प्रत्येक क्षण कितना भी दुख हम क्यों न भोगे, उन हमारे पाप कर्म का संहार होने वाला नहीं है। उसी को छोड़कर जो जो पावन क्षण हमारे जीवन में उत्पन्न होता है आनंद का, उनकी कृपा से ध्यान में रखना। जगन माता की कृपा है ये। फिर हाथ में एक एक वस्तु लेके ऊपर उछालती उछालती जाती है। देखो कैसा है, वस्तु नीचे गिर नहीं सकती, फिर पकड़ लेते फिर ऊंचा कर देते हैं। ये वस्तु कौन सी भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, फूल हो सकता है, कुछ भी वस्तु हो सकती है। ये वस्तुओं को ऊपर उछालते 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 जा रही है। मानो स्पर्धा चल रही है, हमारे जैसे जीव और मां इनकी स्पर्धा चल रही है। हम कहते हैं कुछ नहीं सुनेंगे आपका, हमारे पाप करते ही रहेंगे हम। वो कहती है ठीक है तुम पाप करो, मैं उठा लूंगी ऊपर। हम फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर उठाती है। मानो ये पेज फोड़ चल रही है कि हम पाप करते करते थकते हैं या उद्धार करते करते आप थकते हैं। दिव्य विहार है। जीव को अपनी स्थिति से उठाकर ऐसी चैतन्य में अवस्था में बिठा देती है। शुरू में महात्माओं के मां के प्रति देखने के दृष्टिकोण हम लोगों ने देखे है ना, तो इसलिए इस लीला में पूरी तरह से इन महात्माओं का जो एक एक दृष्टिकोण है वो देखने में आता है। योगी अरविंद जी ने जो कहा है, शुरू में कहा है मैंने आपसे, योगी अरविंद जी ने बात कही है, उनके शिष्य दिलीप कुमार रॉय इन्होंने साधु वासवान जी के सामने ये बात कही है। तो कहते हैं इस विश्व में, जग में नहीं, इस विश्व में किसी को भी किसी भी अवस्था से उठाकर किसी भी उच्च अवस्था में ले जाने का सामर्थ्य सिर्फ आनंदमय हुआ, योगी अरविंद कहते हैं। ये बात है, ये वो पेज होड़ है। ये हम पाप करते करते थकते हैं या आप उद्धार करते करते। श्री श्रीमानंदमय माती जय, श्री श्रीमानंदमय माती जय, श्री श्रीमानंदमय माती जय। अब इस प्रकार विहार करते 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 एक बात और करती है, कभी कभी ऐसे नाचते नाचते गाते गाते जाएगी, एकदम रुक जाएगी, एकदम स्तब्ध, फिर अचानक नाचने लगेगी, कूदने लगेगी, डुबकी लगाने लगेगी, ऐसी चलेगी। तो यही लीला उनकी है, उत्पत्ति स्थिति संहार, उसके बाद प्रलयावस्था शांत, फिर उत्पत्ति स्थिति लय, वही चक्र। फिर स्थिति में इसलिए कहा है सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी नित्य, वही रूप है। सृष्टि करना
स्थिति करना, संहार करना। इसलिए डुबकी लगाते लगाते एक जगह स्तब्ध हो, फिर वहां से वही क्रम। तो इस प्रकार इसका विहार तो चल रहा है। एक बात और बताई है इनके नाने माने दीक्षा ली है, लेकिन मंत्र भूल गई। जो क्रिया बताई है न्यासादि, वो सब कुछ भूल गई। दीदी मां से पूछती है, दीदी मां भी बता देती है उनको, लेकिन बाद में उनके मन में ऐसा आया कि दीदी मां को कितने तकलीफ देंगे, वो तो काम में पूरी तरह से व्यस्त रहती थी, सुबह शाम सब समय पूर्ण रीति से काम में व्यस्त रहती थी, तो कितने तकलीफ उसे देंगे। मन में आया इस निर्मला को क्यों नहीं पूछेंगे, देखो अत्यंत छोटी बालिका ही है, ये नानी है, फिर क्यों ना जाने। उसके मन में बात आई, क्योंकि इस निर्मला का नानी के साथ मित्रता का ही संबंध था। अपने नाती के साथ वो प्यार से बर्ताव करेगी बात ठीक है, लेकिन मित्रता का संबंध था। तो जब ये पूछा बताया, हां स्मृति विस्मरण जिसका जिसका है वो सब बात है, मंत्र भी न्यासादि क्रियाएं भी सब कुछ बताती, वो उसी पे आनंद हो गया। बार बार भूलती थी, बार बार ये निर्मला उसे बता देती थी। दीदी माँ को ऐसा लगा कि ये कभी मुझे आप पूछ नहीं रही है, इसका मतलब इसको अब पूर्णा ध्यान हमें आ गया है, सब बातें स्मृति में आ गई इसके सब ये बातें। जब दीदी माँ ने उसे पूछा कि क्या आजकल पूछने के लिए कुछ आती नहीं है, ठीक याद हो गए हैं सब, बोलते ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर भूल जब जाती हूं तो वे निर्मला बता देती है मुझे। वो चौंक गई, मंत्र न्यास आदि छोटी बालिका उसे धमका कर पूछती है, दीक्षा नहीं हुई कुछ नहीं हुआ, ये क्या बात है। एक ही उत्तर जो ये पूछती है ना, अपने आप अंदर से आता है, वस्तु स्थिति है, लेकिन बालिका के संबंध में इसके ऊपर विश्वास रखना किसी को आसान नहीं है। ये बातें देखो मां के उत्तर लीला में इस बात को हम देखते हैं। महाराष्ट्र में पुणे में एक रिटायर्ड मेजर है, इनामदार सरनेम है उनका, वो और उनकी पत्नी दोनों मां के बहुत बड़े भाई। गुरुमंत्र पहले उन्हें मिला ना, भूल गए थे, कभी पालन भी नहीं किया था। और उनकी पत्नी उसे उसने भी दीक्षा ली थी, लेकिन उसे मंत्र याद है, वो जो बात नहीं करती थी लेकिन मंत्र याद है उसे। जब भास्करानंद जी से पूछा हमें दीक्षा लेनी है, उन्होंने दीक्षा का मुहूर्त देख के जो दिन निश्चित किया उस दिन कहा इनको ये फलाना फलाना ये लिस्ट ये लेके आ जाओ। दोनों आ गए थे और भी अनेक थे, ये दोनों जैसे आए
ये पति उसको माँ ने मंत्र बता दिया। इन्हें आश्चर्य हुआ कि जो मंत्र उनके गुरु से प्राप्त हुआ था जो भूल गए थे वही बता रही है। और पत्नी की जब बारी आई माँ कहते तुम्हें दीक्षा हो चुकी है, दीक्षा ली है दूसरे गुरु से और वो मंत्र उसे याद है। माँ उसे फिर दोहराती नहीं है, लेकिन ये जो है पति जो है वो मंत्र भूल ही गया है, कुछ बता देते हो क्या मंत्र। विशेषता है उनकी, उनके पास अपने से दीक्षा लेने वाला दूसरे के पास दीक्षा लेने वाला हो नहीं सकता। महेश योगी जी ने जो बात बताई है कि हम सब विश्व उद्धार का जो कार्य कर रहे हैं, मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं, जिस शक्ति की सहायता से वजह से करते हैं हम, वो शक्ति साक्षात ही है। तो मेरे शिष्य दूसरों के शिष्य अभाव नहीं है, सब गुरु इनकी प्रेरणा यही है। इसलिए ये भूल गया है उसे फिर बता दिया, ये भूली नहीं है उसे कहा है गुरुदेव से मिला है तुम्हें उसी का पालन करो। इस प्रकार के जो यहां लीला दिखा रही है पूछने के बाद गति है विधिमा से कि पूछते हैं फिर अंदर से आता है वो जवाब देते हो, सीखे नहीं है दीक्षा नहीं हुई कुछ नहीं हुई है फिर बता देती है। ओवतापुपणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तिनि ज्ञानभक्तिप्रदायिनि मातस्तुभ्यं नमो नमः।